नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए मेरे साथ। और ये हमारी रेसिपी जो है इतनी सॉफ्ट बनी थी और खाने में तो लाजवाब है, बनाने में भी बहुत आसान थी। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, इसमें अंदर तक ग्रेवी चली गई है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, चार कच्चे केले हमने लिए हैं, हमने चारों केले नहीं लिए थे, तीन केले हमने लिए हैं, आप अपने हिसाब से केले ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक भगोने में एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें मैंने तीन केले डाल दिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 मिनट इन केलों को बॉईल किया है, बहुत देर मैंने नहीं किया है। ये केले हमें बिल्कुल नहीं पकाने हैं, आधे कच्चे और आधे पक्के हमें केले रखने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 5-6 ग्रीन चिली ली हैं और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिनको मैं अच्छे से एक महीन पेस्ट बना लूँगी मिक्सी में। यहाँ पर देखिए ये जो केले हमने उबाले थे ये ठंडे हो चुके हैं, ये बहुत आसानी से छिल जाते हैं, बहुत वो नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए मैं इनको अच्छे से छील ले रही हूँ। हमें ये केले बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं उबालने हैं, मतलब आधे कच्चे और आधे पक्के, इस तरीके का केले का हमें इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर देखिए मैं ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ। अगर आप के उबालते समय केले ज़्यादा उबल जाते हैं तो आप उनको हाथ से भी मसल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं, ज़्यादा केले नहीं थे, सिर्फ 3 ही केले मैंने बॉईल किए थे, हमारे लिए काफ़ी थे। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 चम्मच मीडियम कहते हैं बेसन डाला है, ज़्यादा बेसन इसमें नहीं डालना है, ज़्यादा बेसन डालने से ये हार्ड हो जाएगा। यहाँ बारीक कटा हुआ बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, एक मैंने प्याज बारीक कटा हुआ डाला है और हल्का जीरा डाला है और स्वाद के अनुसार नमक। हमें इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं क्योंकि ग्रेवी में तो पहले से मसाले रहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो उसमें घी तेल कुछ भी डाल सकते हैं। बिगर पानी के हमें इसका एक डो बना लेना है अच्छे से। देखिए ये एक अच्छा सा डो बन जाएगा इस तरीके से, जैसे आटा रहता है, लेकिन हमें इसमें पानी नहीं डालना है। और अगर आपके हाथ में ये चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा घी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमें इसकी एक मीडियम साइज़ की बॉल बना लेनी है इस तरीके से, आप अपने हिसाब से बॉल बना सकते हैं, बड़ी छोटी जैसे भी आप बनाना चाहें। यहाँ पर देखिए मैं सारे जो मैंने ये केले का डो लगाया है इससे मैं सबकी बॉल बना लूँगी। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। और मुझे कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और ये देखिए मैंने इस तरीके से हल्के हाथ से सारी गोलियां दबा ली हैं। अगर इन बॉल्स में हल्के फुल्के क्रैक पड़ रहे हैं तो उसकी टेंशन मत करिएगा, क्रैक पड़ने से क्या थे जो ग्रेवी हम बनाएंगे बॉल के अंदर भी पहुंच जाएंगी, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, तो इसके लिए आप टेंशन मत करिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये नीचे चिपकने लगेगी। फिर उसके बाद मैंने गैस धीमी कर दी थी जिससे बॉल हमारी अंदर तक पक जाए। वैसे केले तो उबले ही हुए थे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बेसन भी जो है वो भी हमारा अच्छे से पक जाए तो मैंने लो फ्लेम कर दी थी। तो देखिए इस तरीके से हमारी बॉल्स बनके सब तैयार हो गई है। अगर आप कटहल के कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए बॉल्स हमारी इस तरीके से गोल्डन हो चुकी हैं। यहाँ पर देखिए मैं अब तड़के की तैयारी कर रही हूँ, सब्जी मैं छौंकने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है, उसमें मैंने 1 तेज़पत्ता डाला है, हल्का सा जीरा डाल दिया है, हमने प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ था तो वो मैंने डाला है। और यहाँ पर डेली यूज़ वाले मसाले हैं, नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च है, गरम मसाला है और धनिया पाउडर है, जो डेली यूज़ मसाले पड़ते हैं वही हैं। और ये जो मैंने हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट दिखाया था वो है, तो उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। जब हमारा अदरक लहसुन हो चुका था तो हमने इनको भी डाल दिया है, ये भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेने हैं, अच्छे से पक जाए, तेल अलग हो जाएगा। ये देखिए सेपरेट हो चुका है तेल, जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे वही मसाले मैंने डाल दिए हैं। कोफ्तों में कोई अलग से मसाले नहीं होते हैं, वही डेली यूज़ वाले मसाले होते हैं।
तो इनको भी मैं धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ, अच्छे से मसाले, जब तक हमारे तेल सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक हमें मसाले धीमे ही आंच पे भूनने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर रखा है और ये मसाले हमारे 5 से 6 मिनट में अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करिए आप लोग। ये देखिए तेल आपको अलग दिख रहा होगा, तो ये मसाले हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ अगर आप लोग ग्रेवी में चाहते हैं थोड़ा सा मलाई डालना या दूध डालना तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने सिर्फ पानी ही की ग्रेवी लगाई है और कुछ नहीं डाला है मैंने इसमें। ये देखिए आप अपने हिसाब से ग्रेवी लगा सकते हैं, मैंने कहते हैं मीडियम ग्रेवी लगाई है, ना ये पतली है और ना ये गाढ़ी है। इस तरीके से मैंने ग्रेवी लगा ली है क्योंकि ये हमें राइस के साथ भी खाना था और रोटियों के साथ भी, तो मैंने इस तरीके से लगाया। ग्रेवी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जब हमारी सब्जी में उबाल आ गया है तब मैंने सारे कोफ्ते उठा के इसमें डाल दिए हैं। यहाँ देखिए मैंने गैस बंद कर दी है और धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है। आपको कोफ्ते कैसे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए और ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट बने थे कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए बहुत सुंदर कोफ्ते बने थे और बहुत टेस्टी बने थे और बहुत सॉफ्ट थे। तो वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। ये देखिए